सो वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको स्फीयर का रेडियस निकालना है। अगर आपको सरफेस एरिया पता है दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई का एज्यूम करना है 22/7। ठीक है, दिस इज सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या फॉर्मूला होता है, 4πr², वेयर आर इज व्हाट, रेडियस। अब हमें दिस वन इज गिवन, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर हमें पता है दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू 4πr², तो 4πr². अब हम वैल्यूज रख देते हैं, 154 विल बी इक्वल टू 4 एज इट इज, पाई के प्लेस पे 22/7 और आर एज इट इज, आर हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब चूंकि आर स्क्वायर हमें आर कैलकुलेट करना है तो आर स्क्वायर पहले हम कैलकुलेट करते हैं। आर स्क्वायर के पास में जो भी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो 154 और 7 है डिवाइड में, यहां आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 4 × 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कर देते हैं, 22 1 जा 22 22 7 जा होता है 154। ठीक है, तो 154 22 से 7 टाइम कैंसिल हो गया, राइट, तो यहां से हमें क्या मिला, 7×7 दैट इज 49 अपॉन 4 रह गया यहाँ पे तो अपॉन में 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आर की चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 और यहाँ पावर 2, तो 2 × 1/2 विल गिव यू 1। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली आर मिला यहाँ पे और इस साइड क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 जिसे हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 49 को हम 7×7 लिख देते हैं और 4 को 2×2, राइट, इसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7×7, राइट, 2×7 है, तो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 1×7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे 7×7 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 7 और 2/2 का 2 मिलेगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली लर्न है कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि 7×7 = 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2, क्योंकि 2×4। ठीक है, तो दिस विल गिव यू 7/2 और 7/2 को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे यही जानना चाह रहा था व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ का रिलेशन गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, पर आपको उन दोनों की सरफेस एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है, मींस पहले आपको मून का सरफेस एरिया निकालना है, देन अर्थ का निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एज्यूम डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून को हम लेट से डी एम से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली डायमीटर ऑफ अर्थ इसे हम डी ई से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, मतलब डी एम डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 1/4 मीन 1/4 किसका, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, डायमीटर ऑफ अर्थ मीन्स डायमीटर ऑफ अर्थ जिसे हमने डी एज्यूम किया, तो मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब सरफेस एरियाज में
क्या आता है 4πr² राइट। तो यहाँ पे हमें डायमीटर पता है, क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं? यस। तो अगर मून का डायमीटर 1/4 dE है तो बताइए मून की रेडियस, इसे हम rm से इंडिकेट कर लेते हैं। आप चाहते हैं तो ऊपर ये भी मेंशन कर दीजिए, अज्यूम रेडियस इज dm, ठीक है। तो rm मून का रेडियस हो गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? rm क्या होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इस इक्वेशन में अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये हमको क्या देगी? रेडियस देगी, ठीक है। तो देखिए dm की वैल्यू क्या थी? 1/4 dE, और उसमें आपने क्या किया? डिवाइड बाय 2 किया, राइट। तो ये आपको क्या देगा? 1/8, 4 to the 8 हो जाएगा, इनटू डी, ठीक है। सो आपको मून का क्या मिल गया? रेडियस मिल गया, ठीक है। यहां से आप डी को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे? रेडियस से। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। चलिए अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं, राइट। अब हमसे कह क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। तो आई विल राइट सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा? 4πr² दैट इज रेडियस ऑफ मून, ठीक है। एंड सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ये क्या हो जाएगा? 4πre² दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को अपन आर ई से इंडिकेट कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? 1/2, ठीक है। यहां कर लेते हैं इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो ये मिलेगा 4πr² 4πr² डिवाइड बाय 4πre², ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? rm² डिवाइड बाय re², ठीक है। चलिए अब rm की जगह हम क्या रखेंगे? 10 जो हमने यहां से रिलेशन निकाला था, ये वाला, ठीक है। तो हम rm के प्लेस पे क्या यूज करेंगे? 1/8 dE, 1/8 dE। तो दिस विल बी 1/8 dE का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे क्या है? re है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इस आर ई को डायमीटर की फॉर्म में बना लीजिए, या इस डायमीटर को आर ई की फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हमने आर ई को यहाँ पे एज इट इज रख लिया है। अब हम इस डायमीटर को चेंज कर लेते हैं। डायमीटर इन फॉर्म ऑफ रेडियस हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, सबको पता होगा। यहाँ देखो डायमीटर, डायमीटर क्या होगी? जस्ट ट्वाइस ऑफ रेडियस, यही रिलेशन होगा या नहीं होगा? डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अर्थ के केस में अर्थ डायमीटर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अर्थ रेडियस। तो इस डीई को क्या हम 2re से रिप्लेस कर सकते हैं? यस, तो विल रिप्लेस दिस, सो 1/8, और इस डीई की जगह 2re रख देंगे, 2re का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r², ठीक है। अब देखने की कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पहले इसको सॉल्व करवा लेते हैं। तो यहां से 1/8 × 2 का होल स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाइड r स्क्वायर को हम अलग कर देते हैं, r² और नीचे भी क्या था? r² था, ठीक है। तो r² से r² कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिला 1/8 का स्क्वायर विल गिव यू 1/64 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर विल गिव यू 4। तो आंसर आया 4/64। अगर ये फर्दर डिविजिबल है तो हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 1 जा 4 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1/16, या आप इसको 1:16 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। यही कह रहा था हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? 1:16, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एवरीवन, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 cm थिक। ये डायग्राम मैंने बनाया है, मैं गिवन नहीं है, आपको एक बाउल दे रखा है, हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसकी थिकनेस आपको पता है, जो कि स्टील का भी बना हुआ है, उसकी थिकनेस 0.25 cm है, राइट। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 cm। इस बाउल की इनर रेडियस, जिसे मैंने आर आई से इंडिकेट किया है, 5 cm गिवन है,
फाइंड द आउटर कर्व सरफेस ऑफ द बाउल। याद देना यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, आउटर कर्व सरफेस। ठीक है, जब भी हमें थिकनेस गिवन होती है तो इनर और आउटर वर्ड अपने आप में डिफरेंट हो जाते हैं। अगर थिकनेस नहीं गिवन है तो हम इनर रेडियस बोलें या आउटर रेडियस बोलें, एक ही चीज होती है। ठीक है, बट जब थिकनेस गिवन होती है तो आउटर रेडियस इनर डायमीटर प्लस थिकनेस का सम बन जाती है। इक्वेशन सेम क्वेश्चन हम सिलेंड्रिकल वाले पार्ट में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल बना लिया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने इसको थोड़ा सा थिक बनाया हुआ है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो, यहाँ पे ये जो रेडियस है मतलब ये अंदर तक ये वाली जहाँ मैंने एरो लगाया, ठीक है, ये इनर रेडियस हो गई। अब आउटर क्या है, ये देखिए ये पूरी क्या है इसकी, इतनी सी जो आपको दिख रही है दिस वन, ये इसकी थिकनेस इसकी मोटाई है। तो आउटर रेडियस क्या होगी, सेंटर से ये थिकनेस को इंक्लूड करते हुए जो रेडियस बनेगी वो हमारी आउटर रेडियस होगी, जिसे मैंने आरओ से इंडिकेट किया है। राइट, तो आरओ को मैं क्या लिख सकती हूँ, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अगर थिकनेस को हम स्मॉल टी से इंडिकेट कर दें तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इसे आप एज अ फॉर्मूला भी याद रखें कि जब भी आउटर रेडियस निकालना हो तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अगर थिकनेस कहीं नहीं गिवन है मतलब थिकनेस जीरो है तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछ रहा है आउटर कर्व सरफेस, तो हम कौन सी रेडियस लेंगे, आउटर वाली। ठीक है, सो इन सॉल्यूशन आई विल राइट आउटर रेडियस ऑफ बाउल, आउटर रेडियस ऑफ बाउल दैट इज इक्वल टू आर। इसके इक्वल होगा आर आई प्लस टी। क्या मुझे इनर रेडियस आर आई पता है, यस 5 सेंटीमीटर। थिकनेस पता है दैट इज 0.25, वो दोनों की यूनिट सेम है तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो 5 प्लस 0.25 करोगे तो 5.25 आ जाएगा। अब सिंपली हमसे आउटर कट सरफेस पूछ रहा है, मीन्स हमें कट सरफेस एरिया निकालना है, तो आई विल राइट आउटर कट सरफेस ऑफ बाउल या हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 2π आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कट सरफेस का 2π आर स्क्वायर, स्पीयर का जस्ट हाफ। ठीक है, सो 2 एज इट इज, पाई के प्लेस पे 22/7 ले लेंगे, आर की जगह क्या लोगे 5.25, तो 5.25 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो 2 क्रॉस 22/7 5.25 इनटू 5.25। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कर देते हैं, 7 बन जाए 7, 7 जा 49 होता है। ठीक है, बट पॉइंट आ चुका है तो पहले पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और यहां से 3 रिमाइंडर बचेगा, 5 के साथ मिलेगा 35 बनेगा, 75 का 35 हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, ऊपर देखो क्या बचा, 22 क्रॉस 2 दैट विल गिव यू 44 मल्टीप्लाइड विद 0.75 मल्टीप्लाइड विद 5.25। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, 44 क्रॉस 0.75 देखते हैं क्या मिलेगा, 5 4 20 2 जाएगा, 5 4 20 और 2 22, फिर से 7 4 20 2 कैरी जाएगा, 7 4 20 और 2 30। राइट, तो ये मिला 0 10 3 3 3300, और पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो पॉइंट लग जाएगा 33 के बाद, तो 33.00। इट मीन्स हम इसको 33 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विद 5.2। अब मल्टीप्लाई करवाना है 5.25 इंटू 33, 5.25 इंटू 30 करवाएंगे, 5 3 जा 15 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 5 3 जा 15 3 होने की वजह से सेम रिपीट हो जाएगा 5 7 5 1, तो 5 12 7 और 1 8 और 5 13 5 6 7 और 1, तो इट विल बी 17325, और पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है तो 25 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इट विल बी 173.25 इज योर फाइनल सॉल्यूशन, तो इट विल बी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है, A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. ठीक है, क्या गिवन है आपको कि एक right circular cylinder के अंदर एक sphere को enclose किया हुआ है। Just encloses means इस तरीके से enclose किया हुआ है
कि कोई भी गैप यहाँ पे शो नहीं हो रहा। देखिए स्पेयर जो है वो सिलेंडर की सरफेस से, आउटर सरफेस से, यहाँ 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 और यहाँ पे ये सेंटर से क्या कर रहा है, एग्जैक्टली टच कर रहा है। ठीक है, रेडियस स्पेयर तो गिवन है आर, मैंने यहाँ फिगर में इंडिकेट किया हुआ है। फर्स्ट क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, इस स्पेयर का मुझे सरफेस एरिया निकालना है। आर की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो रेडियस के प्लेस पे हम क्या लेंगे, आर ही लेंगे, और हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज 4πr², तो इसका बताइए सरफेस एरिया ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 4πr². ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको इस पार्ट में, कैलकुलेशन होगी नहीं क्योंकि रेडियस की वैल्यू है नहीं। सो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर विल बी इक्वल टू 4πr², वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, सेकेंड हमसे कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, यस दैट इज 2πrh, 2πrh। अब यहां समझना क्या है कि ये r क्या है स्पीयर की रेडियस, और यहां ये r क्या है सिलेंडर की रेडियस, और h सिलेंडर की हाइट, राइट। अब सिलेंडर की रेडियस की बार हम फिगर से बात कर लेते हैं, ये सिलेंडर है आपका, राइट, ये इसका बेस है, तो इसकी जो रेडियस होगी ये बताइए ये होगी या नहीं होगी ये वाली, ठीक है, मतलब सेंटर से कर्व सरफेस तक की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है आर और ये जो डिस्टेंस है, बताइए दोनों सेम होंगी या नहीं, क्योंकि इट इज जस्ट एनक्लोजेस, कोई भी पार्ट कोई भी गैप नहीं है, तो ये रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों इक्वल होंगी या नहीं, दैट्स व्हाई मैंने दोनों को यहाँ आर रहने दिया। ठीक है, तो सिलेंडर की जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हाइट की बात कर लेते हैं, सिलेंडर की हाइट, अब सिलेंडर की हाइट क्या होगी, देखिए दिस मच, दिस मच, ये क्या है सिलेंडर की हाइट है, इसे हमने एच से इंडिकेट कर दिया, राइट। तो मुझे एक चीज बताइए बेटा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आर, क्योंकि ये स्पीयर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा आर, क्योंकि ये स्पीयर है, राइट। आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे रेडियस आर ही होगी सेंटर से कर्व पाथ तक की, राइट। अब आप फिगर को ध्यान से देख के बताइए, ये जो हाइट एच है क्या वो आर प्लस आर के इक्वल आ रही है नहीं आ रही, यस। तो अगर मैं आर प्लस आर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप टू एज इट इज, पाई एज इट इज, आर एज इट इज, और एच के प्लेस पे क्या रखेंगे ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है, इंटू ट्वाइस ऑफ आर। सॉल्व करवाएंगे, टू टू जो फोर, पाई आर इंटू आर इज आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कितना आया 4πr² आया। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ आर क्या होता है डायमीटर, या आप ये कह लीजिए रेडियस का डबल, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में जो एरियाज आया उनका रेशियो बताओ क्या आया। यहां से सरफेस एरिया आया 4πr² और यहां से भी क्या आया 4πr², तो बताइए दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 1/1, 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं रेशियो, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू 4πr² / 4πr², ठीक है। तो 4πr² से 4πr² कट जाएगा, सो इट विल बी 1/1, या इसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।